क्या मोदी सरकार की स्मार्ट डिप्लोमेसी के आगे अमेरिका कमजोर पड़ता जा रहा है? अमेरिकी रिपब्लिकन पार्टी की नेता निक्की हैली के एक बयान ने इस पर नई बहस छेड़ दी है। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव इस साल के आखिरी में होने हैं, ऐसे में एक दफा फिर ये मुकाबला डेमोक्रेटिक पार्टी के जो बाइडेन और रिपब्लिकन पार्टी के डोनाल्ड ट्रंप के बीच होने के आसार हैं। फिलहाल चुनाव से पहले अपनी अपनी पार्टी की तरफ से दावेदार होने के लिए वॉशिंगटन में खूब जोर आजमाइश चल रही है। उधर रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से ट्रंप के साथ एक और दावेदार हैं निक्की हैली। दरअसल निक्की हैली रिपब्लिकन पार्टी की ओर से राष्ट्रपति उम्मीदवार बनना चाहती हैं। अपनी चुनाव प्रचार के बीच उन्होंने भारत अमेरिका रूस को लेकर एक महत्वपूर्ण बात की है। एक इंटरव्यू में हैली ने भारत को लेकर कहा कि एक तरफ भारत अमेरिका का सहयोगी बनना चाहता है, लेकिन दूसरी तरफ उन्हें अमेरिकियों के नेतृत्व पर भरोसा ही नहीं है। इतना ही नहीं, इसी इंटरव्यू में निक्की ने आगे कहा कि भारत ने मौजूदा वैश्विक परिस्थितियों में बहुत स्मार्ट तरीके से अपने को पोजिशन किया है और उसने ऐसा रूस के साथ नज़दीकियों को जारी रखते हुए किया है। हैली ने इसी आधार पर यह दावा किया है कि भारत रूस का सहयोगी नहीं बनना चाहता, बल्कि अमेरिका का पार्टनर होना चाहता है। निक्की ने उम्मीद जताई है कि अमेरिका दोबारा से नेतृत्व करने लगेगा, अपनी कमजोरी को दूर कर लेगा। मैं हूं आपके साथ प्रियंका, ऐसी सभी अपडेट के लिए देखते रहिए TV9 भारतवर्ष, साथ ही वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर जरूर करें।